इंडिया के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई आदिवासी महिला इंडिया की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है। शी इज नन अदर देन द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके जीत का जश्न पूरी इंडिया में हो रहा है। लेकिन आखिर द्रौपदी मुर्मू है कौन और भला उन्हीं को क्यों जिताया गया? क्या उनके अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं था? लेट्स फाइंड आउट। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। पॉलिटिक्स में उतरने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी एक स्कूल टीचर थी। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर 1997 में काउंसलर के रूप में स्टार्ट किया था, जहां वो बीजेपी के पार्टी में थी। उसके बाद 2000 और 2004 में वो ओडिशा की एमएलए बनी थी। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सोशल वर्क किया है, यहाँ तक की 2007 में उन्हें बेस्ट एमएलए इन ओडिशा का अवार्ड भी दिया गया था। उसके बाद अगले कुछ वर्ष उन्होंने कई फॉल्स देखे। साथ ही उस दौरान मुर्मू जी ने अनफॉर्चुनेटली अपने दो बेटों को और अपने पति को भी खो दिया था। लेकिन फिर 2015 में वो झारखंड की सबसे पहली ट्राइबल फीमेल गवर्नर बनी थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और रिसेंटली वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वन साइडेड विनर हो चुकी है। लेकिन कैसे? क्या उनके अगेंस्ट इस इलेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग नेता खड़ा नहीं हुआ था? वेल, इस इलेक्शन में हर पार्टी के कुछ उम्मीदवार को नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि कैंडिडेट इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, उनकी एज मिनिमम 35 इयर्स होनी ही चाहिए, एंड लास्ट लोकसभा का मेंबर होने के लिए वो कैंडिडेट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो इस हिसाब से हर पार्टी के कुछ मेंबर्स इस इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन इस साल दूसरे पार्टी के कई बड़े नेता इस इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे थे, जिसका रीजन था कि उनके पास इतने रिक्वायर्ड वोट्स नहीं थे कि वो जीत पाए। लेकिन आखिर उन्हें ये इलेक्शन लड़ने से पहले ही कैसे पता चला? आई विल टेल यू हाउ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आम जनता कभी वोट नहीं करती, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ वोट देता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट असेंबलीज के एमएलएस यहाँ वोट करते हैं। नॉर्मली हम जब वोट करते हैं तो 1% = 1 vote ऐसे काउंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता। ये इलेक्शंस नॉर्मल इलेक्शंस से काफी अलग होते हैं। यहाँ कैलकुलेशन कुछ इस तरह होता है, 1 MLA = total population of the state divided by total number of elected MLAs in that particular state whole divided by 1000, और इसका जो भी आंसर आता है that is equal to 1 MLA के वोट। इन कैलकुलेशंस के हिसाब से उत्तर प्रदेश के MLAs के सबसे ज्यादा वोट होते हैं, that is 1 MLA = 208 votes, और सबसे लोएस्ट सिक्किम की है, which is 1 MLA = 7 votes। लेकिन हाँ, यहाँ जो पॉपुलेशन काउंट लिया जाता है वो करंट ईयर का नहीं होता, बल्कि 1971 का होता है, क्योंकि आर्टिकल 81 के मुताबिक लोकसभा का कंपोजिशन 1971 के सेंसस के हिसाब से ही होना चाहिए। तो क्या हर टाइम इतना पुराना सेंसस ही कंसिडर होगा? वेल नहीं, 2000 का नया सेंसस निकाला तो गया था, लेकिन 2002 में इसे पोस्टपोन करके 2026 कर दिया गया। यानी अब जब 2026 के बाद नया सेंसस काउंट होगा, तब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नया सेंसस कंसिडर होगा। तो बेसिकली ऐसे होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अब कोई भी कैंडिडेट के पास मिनिमम 50% वोट्स होने ही चाहिए अगर उसे ये इलेक्शंस जीतने हैं। एंड एज पर न्यूज, बीजेपी के पास 48% वोट्स ऑलरेडी थे और कांग्रेस के पास 24 वोट्स थे, तो यहाँ बीजेपी को 2% वोट्स लेना बहुत इजी गेम था। द्रौपदी मुर्मू जी के अगेंस्ट AITC के मेंबर यशवंत सिन्हा थे, जिन्हें मुर्मू जी ने 296,626 वोट से हराया है। अब जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है, तो अब से वो इंडिया की पहली सिटीजन काउंट होगी। शी विल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 armed forces, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उनकी सैलरी 5 lakh rupees per month होगी। उन्हें अब से PBG से गार्ड किया जाएगा, which is president's bodyguard, और मुर्मू जी को custom built black Mercedes Benz भी दी जाएगी, जिसमें heavily guarded armed forces भी रहेंगे for official visits। इसके अलावा भी president को कई benefits होते हैं, जैसे कि वो पूरा world travel free में कर सकती है, उन्हें हर एक medical facility free होती है। Also president को कभी किसी crime के लिए arrest नहीं किया जा सकता जब तक कि वो प्रेसिडेंट है। रिसेंटली 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी की ओथ सेरेमनी कंप्लीट हुई। अब उनकी प्राइम ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करना है। शी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। ऑल्सो शी इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू द्रौपदी मुर्मू जी फॉर दिस ग्रेट विन।